नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। दोस्तों, मेरे पास कुछ दिन पहले, 3-4-5 दिन पहले एक स्टूडेंट आया। मेरे पास अक्सर होम्योपैथी की थेरेप्यूटिक पार्ट को सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते रहते हैं और उनका मैं वाइवा लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर कंडीशन है कि मेरे पास अगर कुछ सीखना है, मेरे साथ काम करना है, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैंने उस लड़की से पूछा हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जिस बारे में ये वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में, है ना। मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने बोला भाई हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है, तो वो सीधे बड़बड़ाती हुई शुरू हो गई कि द क्योर शुड बी टेक प्लेस फ्रॉम द हेड टू द डाउनवर्ड्स विद इन आउटवर्ड्स फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड द सिम्टम्स शुड डिसअपियर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपियरेंस। अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो उस लड़की ने मेरे को जो व्याख्यान करा जो है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का, ये रटा रटाया था। तो मैंने उससे पूछा सवाल कि बेटा ये तो बता कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का इंट्रोडक्शन तो दे कि ये है क्या, मतलब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है। बोले सर, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने ये चीज़ बताई थी अपने हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अंदर कि भाई क्योर का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए, तो दोस्तों अगर आप भी देखो इस चीज़ को, तो वो लड़की अपनी जगह तो ठीक है, पर जो एजुकेशन सिस्टम जिसने उसको ये चीज़ पढ़ाई वो गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अभी यही सोच रहे होंगे इस वक्त कि यार डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, उस लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि द क्योर शुड टेक फ्रॉम द, मतलब चार जो लॉ हैं, अबाउ डाउनवर्ड। जो पेशेंट जब सही होगा तो सिम्टम्स जो होंगे वो क्योर होंगे अबाउ डाउनवर्ड्स। अब मेरा ये सवाल है यहाँ पे, भाई अगर उसको हेडेक है तो आप क्या अबाउ डाउनवर्ड देखोगे क्या आप? वो तो सर में दर्द हो रहा है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट इज द थिंग विच इज अबाउट टू सी बाय अस, कि अबाउ डाउनवर्ड में को देखना क्या है यहाँ पे? दूसरा जो पॉइंट है कि द क्योर शुड टेक फ्रॉम द विद इन आउटवर्ड, व्हाट इसका मतलब क्या है? कि विद इन आउटवर्ड तो आप बता रहे हो, विद इन आउटवर्ड का मतलब क्या है भाई? मतलब प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस फील्ड में इससे हम क्या इम्प्लाई, व्हाट डज इट इम्प्लाई? फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इसका क्या मतलब है? इसको हम प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे? और द सिम्टम शुड डिसअपियर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपियरेंस। तो दोस्तों, आज तक सवाल यही था, जवाब भी यही था, और मैं बड़े दुख के साथ आप सबको बताना चाहूँगा कि जो जो सोच रहा था कि दिस इज़ द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे थे। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज़ नॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द क्योर। ये क्योर का कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्योर किस डायरेक्शन में होगी। द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज़ पर्टेनिंग टू द इंसीडेंट्स, वो इंसीडेंट्स के बारे में है विच आर अबाउट टू हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट क्योर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको दूसरी स्लाइड पर ले जा रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने गूगल का एक पेज खोल के रखा है, ये आप हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, अब आप इसको थोड़ा सा इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका, कि आप ये वेबसाइट देख पाओ एग्जैक्टली जो मैं खोल के बैठा हूँ। cherylmillet.com करके ये वेबसाइट है जहाँ से मैंने इसको ढूंढा है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे और आप सब देखिएगा और कंपेयर करिएगा कि अभी आपके दिमाग में हेरिंग लॉ ऑफ क्योर का क्या मतलब है, और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप कितना गलत सोच रहे थे और आप कितने रॉन्ग थे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है, अपन सबसे पहले ये देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें कुछ लाइनें पढ़ना है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज बाय जॉर्ज वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आई विल नेवर फॉरगेट बट आई टर्न्ड आउट टू बी ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट थिंकिंग ऑफ द लॉ ऑफ क्योर द प्रोसेस ऑफ द बॉडी गोज थ्रू व्हेन हीलिंग इट्सेल्फ और द डायरेक्शन ऑफ द क्योर। तो व्हाट इज द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर किस बारे में है, कि ये है द प्रोसेसेस द बॉडी गोज थ्रू व्हेन हीलिंग, मतलब जब हीलिंग की प्रक्रिया, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है और हम पेशेंट को दवा दे के हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस डायरेक्शन के अंदर जो कुछ घटनाएं और कुछ घटनाक्रम और जो प्रोसेसेस होती हैं, तो उन प्रोसेसेस के बारे में हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, ना कि इस बारे में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्योर। कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ क्योर भी है उसके अंदर, पर उसको क्योर का डायरेक्शन बोलने से ज़्यादा बेटर है
कि ये उन घटनाओं क्रम वो प्रोसेसेस हैं विच हैपन्स और ऑकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट और हीलिंग, ठीक है ना। तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज समथिंग हैपनिंग व्हेन द बॉडी विथ बॉडी सॉरी द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज समथिंग हैपनिंग विथ द बॉडी व्हेन इट इज हीलिंग और क्योरिंग इट्सेल्फ। जब बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है या क्योर का प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस के रास्ते में जो कुछ घटनाएं होती हैं वो होती हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अंदर। और ये जो चार जो सिद्धांत हैं, जो चार लॉ बताए गए हैं, वो उन घटनाओं से संबंधित है, ना कि किसी डायरेक्शन से कि आप ब्लाइंडली बोलते हैं हेड टॉप टू बॉटम विद इन टू आउटवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस विल इंक्लूड द इमोशनल साइड एज वेल एज द फिजिकल बॉडी परहैप्स इवन द स्पिरिचुअल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन विटमैन, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये अपन इसको अपन आगे अच्छे से समझेंगे। अब अपन आते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, इन लॉज के ऊपर कि व्हाट इज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर कैन बी सिंपली स्टेटेड एज अ क्योर स्टार्ट्स फ्रॉम द विद इन आउट फ्रॉम हेड डाउन एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द सिम्टम्स हैव अपीयर्ड। अब जो जो ये लाइन आप में से पढ़ेगा तो आप वही बोलेंगे कि यार हमारी डेफिनेशन तो सही थी, पर अब आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत थे। सेज हेरिंग्स द क्योर प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अ सिम्टम और सेट ऑफ सिम्टम में स्लाइड डाउन, समझो मेरी बात, अ सिम्टम और सेट ऑफ द सिम्टम में स्लाइड डाउन। मतलब कहने का कि जब हम हेडेक का इलाज कर रहे थे, जिसका मैंने एग्जांपल लिया था, जब उसको ट्रीट करेंगे तो ये जो होगा हेडेक, ये कुछ और सिम्टम में मॉडिफाइड होके नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। मतलब यहाँ इस जगह को छोड़ के कुछ और सिम्टम अपियर होंगे और उसको हम कह रहे हैं कि द हेडेक और हेड सिम्टम में स्लाइड डाउन। What appeared on the head may go into the chest, then abdomen, then leg before going away entirely. समझो मेरी बात। हो सकता है हेडेक जो हो रहा था वो सोरा के सप्रेशन के कारण था, तो जब हेडेक को हमने ट्रीट करा तो हेडेक को ट्रीट करने के बाद वो थोड़ा सा डिसअपियर हुआ और मेरे को चेस्ट पे स्किन इरप्शन अपियर हुए। और ये इसी बारे में बात हो रही है कि when appeared on the head may go to the chest, मतलब हेडेक से डिसअपियर होगा, फिर वो चेस्ट में आएगा किसी और रूप में, देन वो एब्डोमेन में आएगा किसी और रूप में, एंड देन लेग्स बिफोर गोइंग अवे एंटायरली। थोड़ा सा डिटेल में इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वेबसाइट पे जाइए और पढ़िए इसको। फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, व्हाट इज इसका मतलब क्या है, सिम्टम्स की बात नहीं हो रही कि शरीर अंदर से बाहर की तरफ सही होगा। देखिए अब क्या है इसमें, द प्रॉब्लम में लीव द इनार्ड ऑफ द बॉडी एंड सरफेस ऑन द स्किन। मतलब विद इन आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जैसा कि स्किन डिजीज की थ्योरी में बताया गया था कि सप्रेशन की वजह से मेन बॉडी के अंदर पैरेन्काइमल ऑर्गन के अंदर बीमारियां होती हैं, कहने का मतलब हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज है ना, लंग्स डिजीज, लीवर डिजीज, ये सब कहीं ना कहीं सोरा के सप्रेशन के कारण होते हैं। तो विद इन आउटवर्ड जो डायरेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के लॉ ऑफ क्योर का सेकंड जो पार्ट है उसमें जो बताया, उसका मतलब है कि जब मेरे को मान लीजिए लंग्स में कोई डिसऑर्डर है, आपको पता है आर्सेनिक के अंदर लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी और स्किन के अंदर अल्टरनेट होती है बीमारी, तो जब लंग्स का इलाज करा जाएगा, अस्थमा का इलाज करा जाएगा, उसके बाद स्किन के ऊपर कोई इरप्शन या एक्जिमा अपीयर होता है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द क्योर फ्रॉम द विद इन टुवर्ड्स आउटवर्ड। मतलब द प्रॉब्लम में लीव द इनार्ड, इनार्ड मतलब इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड सरफेस ऑन द स्किन, नेल, हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन बिफोर डिसअपियरिंग। इफ द पेशेंट हैज एन अल्सर इन द एब्डोमन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इफ द पेशेंट सडनली डेवलप प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस फ्रॉम एनी म्यूकस मेम्ब्रेन और डेवलप स्केरी रैशेस, देन द डायरेक्शन इज टूवर्ड द क्योर। मतलब कहने का मतलब था कि अगर पेशेंट को इस एग्जाम्पल में बताया जा रहा है एब्डोमन में अल्सर है, इफ द पेशेंट हैज द अल्सर इन द एब्डोमन, मतलब कोई कोलाइटिस के अल्सर होंगे या फिर उसको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के दौरान अगर सडनली उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्जेस निकल रहे हैं, अब अल्सर कहाँ था, अल्सर था बिल्कुल सेंटर में, कोर ऑफ द बॉडी, स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर, और जब ट्रीटमेंट चालू करा तो उसको कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस डिस्चार्ज निकल रहा है, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैक्रिमेशन, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सलाइवेशन, दैट मे बी इन द
फॉर्म ऑफ डायरिया, तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ क्योर दैट इज फ्रॉम विद इन टूवर्ड्स आउटवर्ड, विद इन आउटवर्ड मतलब इट इज करेक्ट डायरेक्शन. इन सच केस द सब्सिक्वेंट एक्यूट मैनिफेस्टेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एंड मस्ट बी अलाउड टू टेक इट्स कोर्स. समझे आप लोग कि विद इन आउटवर्ड का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है बैकवर्ड इन टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये देखिए फिलोसफी में कितनी बड़ी पावर है और आप कितने अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से. सारे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भाई जो कर रहे हैं आपको वो सीधे से वो इस पॉइंट से ऑर्गेनन से रिलेट हो जाएगा. वो क्या है? तो केयर शुड बी टेक इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपियरेंस ऑफ द सिम्टम. मतलब द प्रेजेंट सिम्टम, जो सिम्टम सबसे पहले आया है मतलब सबसे ताज़ा है, सबसे कम उम्र का है, मे बी रिप्लेस्ड विथ वॉट हैज़ टेकन प्लेस प्रायर टू इट. मतलब द प्रेजेंट सिम्टम मे बी रिप्लेस्ड बाय वॉट हैज़ टेकन प्रायर टू इट. कहने का मतलब पेशेंट को कल एक सिम्टम आया था पर उसके दो दिन पहले एक और सिम्टम आया था. तो जो डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम होगा वो कैसे होगा कि जो कल आया था सबसे ताज़ा सिम्टम है वो पहले डिसअपियर होगा, ठीक है, और सबसे जो उसके पहले जो आया था मतलब उसके प्रायर जो आया था वो बाद में डिसअपियर होगा. अब इसको और अच्छे से समझिए. मूविंग बैकवर्ड द वे इट डेवलप्ड, मतलब द प्रेजेंट सिम्टम मे बी रिप्लेस्ड बाय द वॉट हैज़ टेकन प्लेस प्रायर टू इट. मूविंग बैकवर्ड द वे इट डेवलप्ड. फॉर एग्जाम्पल द किडनी पेशेंट, अब एग्जाम्पल समझो अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल किडनी पेशेंट मे गो बैक टू हिज कार्डियक मैनिफेस्टेशन, देन सेवरल एब्डोमिनल कंप्लेंट मे हैव सफर्ड अर्लियर मे रीसरफेस. मतलब समझो, एंड देन एक्जिमा और सोराइसिस दैट वॉज सप्रेस्ड अर्लियर मे रीअकर विच वैन ट्रीटेड होलिस्टिकली. अब समझो इसको अपन उल्टा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले बंदे को क्या था, एक्जिमा या सोराइसिस था. एक्जिमा और सोराइसिस को किसी भी लोकल एलोपैथिक ट्रीटमेंट से दबाया गया. तो सेवरल एब्डोमिनल कंप्लेंट आई इस पेशेंट को, ठीक है ना. ये मैं बाकी इस बात में अतीत की बात कर रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल फ्लश बैक में चला गया कि फ्लश बैक में सबसे पहले स्किन की बीमारी थी एक्जिमा सोराइसिस, उसको दबाया गया तो इसको कुछ एब्डोमिनल कंप्लेंट हुई, ये एब्डोमिनल कंप्लेंट का गलत इलाज करा गया तो इसको कार्डियक मैनिफेस्टेशंस हुए, और अल्टीमेटली इन कार्डियक मैनिफेस्टेशन का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट और सप्रेशन की वजह से इसकी किडनी फेल हो गई. तो दिस वॉज द रेगुलर कोर्स ऑफ हिज डिजीज. अब मेरे को चीज़ें कहाँ सही करनी है, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपियरेंस, इन द रिवर्स ऑर्डर. तो जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे बाद में जाएगा. तो जब इसका करेक्ट ट्रीटमेंट होगा, बहुत अच्छी पॉलीक्रस्ट और बिल्कुल माइजमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिकेटेड मेडिसिन से, तो होगा क्या कि सबसे पहले इसका किडनी का फेलियर रुकेगा, क्योंकि वो सबसे पहले आज हुआ है. किडनी के फेलियर के बाद इसके कार्डियक मैनिफेस्टेशंस वापस आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कार्डियक मैनिफेस्टेशन दबने के कारण किडनी खराब हुई थी. तो अब क्या है, कार्डियक मैनिफेस्टेशंस आएंगे, उसके बाद की ओर आगे बढ़ेगी तो वही सेवरल एब्डोमिनल कंप्लेंट्स इसकी सारी वापस आएंगी, और जब ये कंप्लेंटें ख़त्म होगी तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि जो एक्जिमा और सोराइसिस जिसके दबने के कारण ये बंदा सबसे ज़्यादा परेशान था, ठीक है ना, वो चीज़ें वापस आ जाएंगी और अल्टीमेटली ये बंदा अपनी किडनी और हार्ट और एब्डोमिनल सारी कंप्लेंट से ये बंदा फ्री होके ही विल बी फ्रीड फ्रॉम एनी डिजीज फॉर एवर. तो दिस इज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि द सिम्टम्स शुड डिसअपियर इन द ऑर्डर ऑफ, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपियरेंस, ठीक है. अब जो चौथा पॉइंट है कि फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. अब ये जो है, ये चौथे पॉइंट को तो वेरिफिकेशन तीसरे पॉइंट में ही हो चुका है. वो कैसे? फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस्ट इम्पॉर्टेंट वन. मतलब एज स्टेटेड अबो द अफेक्टेड किडनी मे हील विद द डिजीज गोइंग टू द हार्ट. मतलब अफेक्टेड किडनी को जब हमने हील करा तो डिजीज जो है हार्ट पे गया, देन लीवर एंड एब्डोमन, देन स्किन बिफोर अफेक्टिंग द क्योर. मतलब किडनी गई थी, किडनी को सही करा तो इन द मतलब फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी से लीस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन की तरफ की बात कर रहे हैं. तो इस पहले हमने किडनी को देखा, फिर किडनी से जो अफेक्टेड हार्ट सामने आया, हार्ट के फ्री होने के बाद अफेक्टेड लीवर सामने आया,
और अल्टीमेटली बीमारी वापस सरफेस पे आ गई इन द फॉर्म ऑफ एक्जिमा, मतलब या फिर सोराइसिस या स्किन डिजीज. तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कि द क्योर शुड बी टेकन फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. और ये जो चार लॉ हैं इनको आप बार बार पढ़िए, आपको पूरा चित्रण, पूरा का पूरा आपको चित्रण हो जाएगा कि भाई किस तरह से होम्योपैथी काम करती है, किस तरह से बंदा सप्रेशन सोरा को लेटेंट करके हमारे सामने आता है, और जब उस सोरा को हम फ्री करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को करेक्ट तरीके से इंटरप्रिटेट करना है. अब आप में से जिस जिसको ये वीडियो से मदद मिली और आपको लगा कि हाँ मैंने आपका कोई कन्फ्यूजन दूर करा है और आपके ज्ञान में ज़रा सा भी इजाफा करा है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और लाइक करें. बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार.